जय हिंद। जैसा कि हम जानते हैं, भारत सरकार ने 3 बिलियन US डॉलर में टीस्नोज MQ-9B ड्रोन अमेरिका से खरीदने का ऐलान किया है। इस ड्रोन की क्या खासियत है और ये क्यों खरीदे जा रहे हैं, इनका टेक्निकल स्पेसिफिकेशन क्या है और इनका हमारे देश में क्या इस्तेमाल है, इन तीनों पॉइंट पर हम चर्चा करेंगे। पहले जानते हैं क्यों खरीदे जाएंगे ये ड्रोन। इस ड्रोन का पहला मॉडल MQ-9 2006 में बनाया गया। इसे जनरल एटॉमिक एरोनॉटिकल सिस्टम जो कि अमेरिकन कंपनी है उसके द्वारा बनाया गया। इसका इस्तेमाल कर ओसामा बिन लादेन जो पाकिस्तान में था उसका पता लगाया गया और ISI और अलकायदा के हेड को भी अफगान में इसी से ही शूट किया गया। अर्थात ये अपनी पूरी इफिशियंसी और ये अपनी ताकत वर्ल्ड में दिखा चुका है और इसे हमने 2020 में ट्रायल के लिए इसका MQ-9 मॉडल 2020 में लाया, जिसे 3000 आवर यानी 30,000 घंटे हम लोगों ने इसका टेस्टिंग लिया, जिसमें ये सही निकला और इसका एवरेज स्पीड 480 किलोमीटर पाया गया। अब जानते हैं इसके टेक्निकल स्पेसिफिकेशन के बारे में। जनरली अमेरिका जो भी हथियार बनाता है तो अमेरिका पूरा का पूरा ताकतवर देश है और वो इकोनॉमिकली भी पूरा स्ट्रांग है, तो वो छोटे छोटे देश जो कि चर्चे में आतंकवाद को लेकर या फिर नक्सलवाद को लेकर वहाँ पे अपने नए नए हथियारों का इस्तेमाल कर पूरी दुनिया को दिखाता है कि हाँ ये हमारा नया हथियार है और ये कारीगर हो रहा है, जिस कारण वो हथियार का व्यापार बढ़ाता है और हथियार व्यापार में विश्व में लगभग दूसरे नंबर पर हमारा देश आता है। बहुत बड़ी रकमों में हम हथियार खरीदते हैं लेकिन प्लस पॉइंट हमारे पास ये हो जाता है कि हम उनका कुछ ही क्वांटिटी खरीदते हैं, उसके बाद उनके पैटर्न को थोड़ा चेंज करके उनसे अच्छा है हम लोग अपना पैटर्न तैयार करते हैं और फिर हम उसे 5 की जगह 5,000 क्वांटिटी में बना लेते हैं। वही होगा इनके साथ में। हमारे पास पूरी तकनीक है, पूरी सब कुछ है, बस थोड़ा सा सिस्टम कमजोर है जिस कारण हमें शुरुआती स्टेज में खरीदना पड़ता है। जानते हैं इनके टेक्निकल स्पेसिफिकेशन के बारे में। ये जो ड्रोन है इसका साइज, इसका विंग साइज जो ये साइड में आप देख रहे हैं ये 20 मीटर का है। 20 मीटर यानी 65 फीट अप्रॉक्स, ये 65 फीट चौड़ा है। इसका वेट की बात की जाए तो 1750 केजी इसका वेट है और जो ये लोड यानी जो वीपन्स और जो हथियार वगैरह लाद सकता है, बारूद वगैरह, गोला बारूद, ये 1350 केजी हथियार लेकर ये लिफ्ट कर सकता है। और इसका वर्किंग एरिया मतलब जहां अगर हम यहां खड़े हैं तो यहां से 1850 किलोमीटर 1850 किलोमीटर सर्कुलर एरिया में हम इसे फ्री हैंडेड ऑपरेट कर सकते हैं। और इसके इस्तेमाल की सबसे बड़ी खासियत है कि विदाउट पायलट है। अगर इस ड्रोन का नुकसान भी होता है तो हमें किसी भी प्रकार की जान माल की हानि नहीं होगी। यानी अगर हम फाइटर इस जगह इस्तेमाल करते हैं और वो दुश्मन द्वारा शूट कर दिया जाता है तो उसमें हमारे पायलट की जान चली जा सकती है या फिर पायलट को बंदी बनाया जा सकता है, मगर इसमें कोई भी ह्यूमन पावर नहीं है यानी पायलट फ्री है, तो इससे हमें कोई ज्यादा नुकसान होने वाला नहीं है, बस थोड़ा सा इकोनॉमिकल नुकसान होगा। इसकी जो स्पीड थी 480 किलोमीटर आवर और जो इसका वर्किंग आवर मतलब जो एयर में एक उड़ान में ये 35 आवर, लगभग 35 घंटे
वर्क करता रहता था, मतलब ऑपरेशन में ही रहता था, हवा में उड़ता रहता था। और जब इसे फुल लोड कर देते हैं, यानी जब 1350 केजी इसमें हरबा हथियार गोला बारूद डाल देते हैं, तब 23 आवर मतलब कि 23 घंटे, यानी अभी उड़ा तो ये 23 घंटे तक हवा में उड़ते रहेगा। और इसके इंजन की खास बात की जाए तो ये इलेक्ट्रॉनिक नहीं है, यानी जो इसमें एनर्जी जनरेशन है वो किसी इलेक्ट्रॉन प्रोटोन या बैटरी पर नहीं बल्कि फ्यूल पे। इसकी फ्यूल कैपेसिटी 4000 पाउंड्स है, फ्यूल कैपेसिटी 4000 पाउंड्स है। और ये पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट का इंजन है, जो इसका इंजन है वो पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट है। जो हम लोगों ने इस्तेमाल किया वो मॉडल हमारे पास था MQ9, और ये कब बनाया गया था, 2006 में। फिर इसके बाद इसके वर्जन को अपडेट किया गया, हर एक इसमें नई नई टेक्नोलॉजी डालेगी। इसमें सर्वलांस कैमरे डाले गए, जो इसके अंदर नीचे कैमरे थे वो नए रेडिएशन थर्मल और नाइट विजन हर प्रकार का कैमरा लगाया गया है। और इसका जो वर्किंग रेंज है, वर्किंग रेंज बढ़ा दिया गया। पहले इसका जो कैमरा का एरिया था वो लगभग 9 किलोमीटर का था, अब उसे बढ़ाकर 18 किलोमीटर कर दिया गया। और जब ये हवा में होता है तो एज ए मिनी सेटेलाइट काम करता है। मिनी सेटेलाइट यानी जैसे कि मान लीजिए इससे हमें खरीदने का फायदा, जो चाइना बॉर्डर एरिया है, यानी जो हमारा उत्तरी बॉर्डर एरिया है, वहाँ बहुत ऊंचे ऊंचे पहाड़ है, जिस कारण जो हमारा टावर है वो ऐसे नहीं जा पाता। टावर ऐसे चलता है जिस कारण हमें अगर यहाँ आर्मी चली गई तो कम्युनिकेशन नहीं हो पाता था, यानी कनेक्शन टूट जाता था। और ये ऐसा एरिया है कि जहाँ हर देश अपना अपना सेटेलाइट उड़ा रहा है और सबका रेंज बना हुआ है। अगर हम डायरेक्ट कम्युनिकेट करेंगे तो हमारी जानकारी उनको चली जाती है, उनकी जानकारी हमें मिल जाती है। मगर ये एंटी रडार सिस्टम के साथ अगर वहाँ रहेगा तो ये एज ए मिनी सेटेलाइट काम करेगा, और दोनों को कम्युनिकेशन टू वे कम्युनिकेशन मतलब आ जाएगी भी और जाएगी भी, टू वे कम्युनिकेशन प्रोवाइड करेगा। ये अब तक का सबसे बड़ा ड्रोन है जो हरबा हथियार के साथ आर्मी में इस्तेमाल किया जाएगा। और ये 30 क्वांटिटी खरीदी जा रही है, तो हो सकता है इक्वल क्वांटिटी में सबको दे दिया जाए, मगर इसका सबसे ज्यादा यूज देखा जाए तो वायुसेना को, और जो हमारी थल सेना के साथ जो जल सेना है उनको भी है। श्रीलंका एरिया में जो हमारी जल सेना का रेंज ज्यादातर आप देखेंगे मैप पे देखेंगे, जल सेना हमारे उत्तरी एरिया में नहीं जाए, यानी कि जो चाइना पाकिस्तान एरिया बॉर्डर है या जो अफगान बॉर्डर है उस साइड हमारी जल सेना का ज़्यादा काम नहीं रहता, क्योंकि वहाँ पे समुद्री एरिया और या फिर नदी नाले नहीं है। वहाँ पे सबसे ज़्यादा एक्टिव रहती है हमारी थल सेना और वायुसेना, अर्थात उनको ये दिया जाएगा। और जो श्रीलंका या फिर सी एरिया है, ओशियन एरिया थ्री वे, उधर ये इस्तेमाल किए जाएंगे। तो 150 किलोमीटर समुद्र के अंदर तक हमारा रेंज बढ़ जाएगा, यानी इसके मदद से हम इतने किलोमीटर एरिया में इफेक्टिव हो सकते हैं और वार कर सकते हैं या लड़ाई कर सकते हैं। इसमें पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट होने के कारण ये फुल्ली नॉइज प्रूफ नहीं है, मतलब कि वो डिसनॉइज की बात किया जाए कि आवाज की, तो अगर रेंज में अगर हम आते हैं कुछ रेंज में तो इसका थोड़ा सा साउंड है पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट के होने के कारण। और जब ये हवा में उड़ेगा तो इसके विंग चलेंगे, जेट चलेगा, जेट के कारण जिस कारण इसमें आवाज आएगी। ये एज ए ड्रोन काम करता है। आप इसका फिगर देख सकते हैं, 3-4 फिगर हम दिखा रहे हैं, चारों तरफ से आप इसका फिगर देख सकते हैं। और जब इसके हाइट की बात की जाए कि जमीन से कितने हाइट पर यह उड़ सकता है, तो इसका जो पहले का जो हम लोगों ने हाइट मेजर किया था या फिर जो भारत में टेस्टिंग के दौरान देखा गया, तो 15,000 मीटर जमीन या सी लेवल के अबव ये जा सकता है, यानी कि 15 किलोमीटर ये ऊंचाई तक उड़ सकता है। हालांकि लोड बढ़ाने के बाद इसका थोड़ा सा वेट हाइट कम हो सकता है,
लेकिन इतनी ऊंचाई काफी है जिस कारण ये उस एरिया में नॉइज प्रूफ हो सकता है, यानी आवाज नहीं आएगी। अगर ज्यादा नीचे लाएंगे तब आवाज आने की चांसेस रहेगी। ये थी जानकारी जो इसके बारे में शेयर की गई है। और इसमें जो हथियार इस्तेमाल कर रहा है अमेरिका, उस हथियार के बारे में सिर्फ यही दिए गए, हेलफायर मिसाइल इस्तेमाल किया था उसने जो अफगान में इस्तेमाल हुआ था, वो हेलफायर इस्तेमाल किया गया था। और इसमें लेजर लेजर गाइडेड बॉम्ब भी इसमें लगाए जा सकते हैं, जो कि डायरेक्ट टू द पॉइंट वार करने में लेजर गाइडेड सबसे इफेक्टिव माने जाते हैं। और जो हेल फायर है, हेल फायर जो कि फायर होने के बाद जो 15 से 20 सेकंड का जो गैप मिलता है उसमें ये वेलोसिटी कम ज़्यादा या फिर इफेक्टिव रेंज कम या ज़्यादा करने में हेल फायर जो रॉकेट है या फिर जो मिसाइल्स हैं वो इफेक्टिव हैं। और इनमें असेंबल डिसेंबल पूरा रिमोटिक कंट्रोल पे होता है, जिस कारण इसका इफेक्टिव एरिया भी कवर किया जा सकता है। अगर चार्ज है तो इसे 150-200 मीटर रेंज एरिया इफेक्टिव भी कर सकते हैं, चाहे तो उसे बढ़ाकर 1 किलोमीटर एरिया भी कर सकते हैं इफेक्टिव एरिया, यानी कि ये ऊपर ये डिसेंबल हो जाए तो सीरियल वाइज बड़े जो बॉम्ब गिरेगा या फिर वो कंटिन्यू गिरेगा, और अगर एक साथ गिरे तो ज़्यादा एरिया पे इफेक्ट कर सकता है। ये हेल फायर की एडवांटेज है और ये हेल फायर सबसे लेटेस्ट रॉकेट है। तो ये थी छोटी जानकारी जो इसके बारे में शेयर की गई है। अभी बहुत सारी जानकारियां इसमें बहुत ही खासियत है जो नहीं शेयर किया जा रहेगा। देखते हैं हमारे देश में कब आता है इसका पहला शिफ्ट, कब आता है, उसके बाद जब हमारी सरकार इसकी जानकारी शेयर करेगी उसे भी देखेंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहें, स्वस्थ रहें और सुरक्षित रहें। जय हिंद।